Hello my dear students, welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you tense. Students, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं आपके tense करा रहा हूँ, तो tense की मैं से already आपकी 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ. तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हो. तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास को. ये है आपका आज की क्लास पार्ट नंबर 7 और इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट आपके पास्ट परफेक्ट और टेंस. जैसे कि आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा, पास्ट मींस होता है स्टूडेंट आपका भूतकाल और परफेक्ट मींस होता है कोई भी एक्शन जो हम पास्ट में कर रहे थे वो आपकी एक्शन डन हो चुकी है इन द पास्ट. अगर हम इसकी बात करें यानी इसका यूज हम ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो हम पास्ट में कर रहे थे भूतकाल में और वो वहीं पर आपके कंप्लीट हो चुके हैं. स्टूडेंट्स सामान्यतः जो हम जब हम भूतकाल में दो कार्य कर रहे होते हैं यानी एक साथ हम दो एक्शन कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो जो आपका फर्स्ट एक्शन है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यानी कि आप सब्जेक्ट और उसके साथ हम हेड और आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. और दूसरा जो आपका यानी सेकेंड एक्शन है उसके साथ स्टूडेंट हम आपका पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं यानी आपका सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट में आपके हेड के साथ B3 यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और इससे जो अगर हम इसका हिंदी प्रोनाउंस करते हैं तो उसमें आपका चुका था, चुकी थे, आया थे या ये थे, इस तरीके से आपके कुछ वर्ड हैं जो आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं. इसमें आपका अफर्मेटिव जो साधारण सेंटेंस आपका जो वाक्य होता है साधारण वाक्य उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट उसके बाद हेड प्लस MV3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट इसमें आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या आपका प्लूरल है इसमें आपके हेड का यूज़ करेंगे और अदर्स की तरह नहीं है कि इसमें किसी में बाज कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, इज कर रहे हैं, आरएम कर रहे हैं, लेकिन इसमें केवल आपको हेड का यूज़ करना चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. एग्जाम्पल दिया गया है द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन. तो यहाँ अगर इसका स्टूडेंट अगर हम हिंदी मीन्स निकालेंगे तो क्रॉप यानी फसल, हेड माने हो चुकी थी, डेस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद, बिफोर माने पहले, इट रेन यानी बरसात के आने से पहले आपकी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी. यहाँ चुकी था वर्ड यू आ रहा है स्टूडेंट तो आपका पास्ट परफेक्ट है. और यहाँ हम देखेंगे पहले आपका काम कौन सा हुआ, पहले हमारा काम हुआ है जो आपकी फसल है वो पहले डेस्ट्रॉय हुई है, तो यहाँ हमने इसका बनाया इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में. और उसके बाद हमने यहाँ कंजक्शन लगाया स्टूडेंट आपका बिफोर. बिफोर मीन्स होता है स्टूडेंट पहले और आफ्टर होता है बाद के लिए. इट आपका सब्जेक्ट है और ये आपका बनाया गया आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट और आपकी सेकंड फॉर्म. तो इस तरीके से हम इसका बनाते हैं स्टूडेंट. सेकंड एग्जांपल है द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. तो यहाँ इसका हिंदी मीन्स निकालेंगे द ट्रेन हैड डिपार्टेड, जो ट्रेन थी वो आपकी जा चुकी थी बिफोर माने पहले, आई रीच द स्टेशन यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी. तो यहाँ पहला काम क्या हुआ है, पहला काम हुआ स्टूडेंट यहाँ पर आपकी ट्रेन गई है और सेकंड में क्या है जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है मेरे पहुंचने से पहले, आई रीच द स्टेशन सब्जेक्ट और आपका यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ किया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये आपका पास्ट परफेक्ट है क्योंकि इसके सामने हेड यूज़ किया और आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ किया. इस प्रकार के जो स्टूडेंट आपके सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम कंजक्शन होता है जॉइंट करता है जो आपकी क्लॉज है या सेंटेंस है उनको, उसके साथ हम आपके बिफोर है, एज सून है, जैसे, वेन माने जब, वंस माने एक बार, आफ्टर माने अंटिल जब तक, ये आपके कुछ कंजक्शन इनका हम यूज़ करते हैं. अधिकतर आपका बिफोर और आफ्टर को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपके कंजक्शन है जो इनमें यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट आपका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक प्रश्न सूचक आपका वाक्य, उनका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर के बाद इनके एग्जांपल समझेंगे बड़े आसानी से. उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. नेगेटिव होता है नकारात्मक, इसमें स्टूडेंट पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम आपका नॉट का यूज़ करते हैं और वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. जब बात आएगी स्टूडेंट आपकी इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का. फर्स्ट ऑप्शन तो होता है हम आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले ला सकते हैं और सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास जो WH फैमिली से जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम पहले रख करके आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं.
तो यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव का रूप बताया है कि यहाँ पर पहले हम हेल्पिंग और हेड को लाएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और आपकी थर्ड फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट और आपका स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ भी बात होगी आपकी इंट्रोगेटिव की, वहाँ पर स्टूडेंट हम आपके क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये आपको कोई वाक्य ही हैड रिटन ए नॉवल, वो एक नॉवल लिख चुका था। सब्जेक्ट हेड और आपकी राइट की लिखना की आपकी थर्ड फॉर्म और आपका यहाँ पर स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है। जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम सब्जेक्ट की हेल्पिंग, जो आपका सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और आपकी हेल्पिंग और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम आपके नॉट को रखते हैं। तो यहाँ ही हैड नॉट रिटन ए नॉवल, उसने एक पत्र नहीं लिख छुपा था, ठीक है। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ स्टूडेंट हम आपके हेड का हैड ही रिटन ए नॉवल, क्या वो एक नॉवल लिख चुका था। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो हम आपकी हेल्पिंग वर्क पहले ले आते हैं स्टूडेंट और आपके सब्जेक्ट्स को पीछे, और आपकी क्वेश्चन टैग का यूज करना कंपलसरी होता है। बी एग्जाम्पल बताया गया, आई हैड प्लेड ए मैच, मैं एक मैच खेल चुका था। तो सब्जेक्ट आपका हेड है, थर्ड फॉर्म है और आपका ऑब्जेक्ट, इसका नॉट बनाया तो नॉट हम यूज करते हैं स्टूडेंट आपके हेल्पिंग वर्क पर। आई हैड नॉट प्लेड ए मैच, हेल्पिंग वर्ग के जस्ट बाद हमने नॉट का यूज़ किया यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बना सकते हो। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप हैड आई प्लेड ए मैच, तो हम हेल्पिंग वर्ग पहले आएंगे, सब्जेक्ट को आपका बाद में ले आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इनका नेगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर वही होता है स्टूडेंट जो हमने इससे पहले हम इसका नेगेटिव बनाया है, लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो वहाँ पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट आपका नॉट आएगा, ना कि आपके हेल्पिंग वर्ब के, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम B3 और आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग। सेकेंड इसका तरीका होता है स्टूडेंट कि आपने हेड नॉट को हम एक साथ लिख सकते हैं हेडेंट, जैसे बाद नॉट को लिखना बताया था उन्हें वाजेंट, वर नॉट को वरेंट बोल देते हैं, इज नॉट को इजेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हेड नॉट सब्जेक्ट और B3 और ऑब्जेक्ट, यहाँ नॉट इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा नॉट इसी के साथ आ चुका है। एग्जाम्पल दिए, आई हैड ऑलरेडी विजिट मथुरा, मैं ऑलरेडी मथुरा को देख चुका हूँ। तो यहाँ इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टूडेंट कि हमने आई यूज़ किया है या हमने प्लूरल सब्जेक्ट किया है, क्योंकि मैंने बताया कि हम पास्ट परफेक्ट में आपके हेड वर्ब का ही यूज़ करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव बनाया गया है, आई हैड ऑलरेडी विजिट द मथुरा, मैं मथुरा को देख चुका था। जब इसका स्टूडेंट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट और आपके पहले हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और ऑलरेडी विजिटेड मथुरा और आपके क्वेश्चन टैग, क्या मैं मथुरा को नहीं देख चुका था। और जब इसका हम सेकंड फॉर्म से यूज करेंगे, यानी आपका एक साथ जो हमने हेड और नॉट के एक साथ यूज किया है, तो वहां पर हम हेड एंड आई ऑलरेडी विजिटेड मथुरा, तो यहाँ हमने हेड नॉट के एक साथ यूज किया है और आपके सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट हम यहाँ हेड नॉट को ऑलरेडी, हेड के साथ ही नॉट को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो हेड एंड आई ऑलरेडी विजिटेड, क्या मैंने मथुरा को नहीं देख चुका था। तो यहाँ इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। सेकंड एग्जांपल आपका, सी हैड वॉर्न्ड यू, उसने तुमको, यानी कि वो तुमको चेतावनी दे चुकी थी। तो यहाँ हम पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट और वॉर्न्ड यू और क्वेश्चन टैग एक साथ लेंगे, तो हैड नॉट सी वॉर्न्ड यू, तो यहाँ क्वेश्चन टैग। इस तरीके से स्टूडेंट आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव और आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया स्टूडेंट, मैंने वही जो हम अपनी कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से करते हैं, जो आपके मेन पॉइंट होते हैं उनको हमें रूल में कन्वर्ट करते हैं। और आपका फर्स्ट रूल है कि जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ स्टूडेंट आपकी कुछ वर्ब होती हैं जिनका यूज़ करते हैं, आपका जैसे होप है, एक्सपेक्ट है, थिंक है, इंटेंट है, आपका वांट है या सपोज है, इनके साथ क्या होता है स्टूडेंट, इनसे वर्ब से हमें क्या निकल रहा है। जैसे हम होप मीन्स क्या होता है, आशा होती है, एक्सपेक्ट मीन्स थिंक माने सोचना, वांट माने चाहना, सपोज माने ऐसा हो। तो ये जो वर्ब है इनसे हमें एकदम तरीके समझ में आ रहा है कि ये आपकी, यानी हमें आशा, इच्छाओं या कल्पनाओं के संदर्भ में किया जाता है। तो जो अभी तक आपकी क्या है स्टूडेंट, आपकी नॉट कम्प्लीटेड, यानी जो पूरी तरीके से अभी कम्प्लीट नहीं हुई, तो उसके संदर्भ में हम इसका पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, ही हैड दैट यू वुड
कॉर्पेटस। तो यहाँ क्या बता रहा है, बी हैड होप्ड, सॉरी यहाँ होप ऊपर लिखा हुआ है, बी होप्ड, हमें आशा थी दैट किया यू वुड कॉर्पोरेट, तो तुम हमारे साथ कॉपरेट करोगे। तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, ये हमने केवल क्या है, एक तरीके से हमने सोचा है कि भाई वो हमारे साथ कॉपरेट करेगा, बट क्या है, उसने हमारे साथ कॉपरेट नहीं किया है। आपके बी एग्जाम्पल बताया है, बी हैड एक्सपेक्ट दैट सी वुड अटेंड द पार्टी। यहाँ भी आप देख रहे होंगे एक्सपेक्ट, यानी उसने उम्मीद की है, यहाँ उम्मीद की है तो उसने बताया है कि यहाँ हम के वह क्या है, बी हैड एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं कि वह पार्टी को अटेंड करेगी। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमने उम्मीद हो रही है, जो कि काम आपका पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि काम नहीं हुआ। तो यहाँ इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हो। सी एग्जाम्पल में बताया गया कि दे हैड वॉन्टेड टू डेनोट सम मनी बट नन वॉज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ क्या है कि वे कुछ पैसा डेनोट करना चाहते थे, बट माने लेकिन नन माने कोई भी, वॉज प्रेजेंट जिसको पैसा देना चाहते थे वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो यहाँ क्या है, उसने केवल एक्सपेक्ट किया कि अगर वहाँ कुछ होते, अगर कुछ बंदे होते या कुछ आपके लोग होते जिनको वो पैसा डेनोट करना चाहता तो उनको पैसा डेनोट करता, बट क्या है यहाँ बंदे हैं नहीं तो वो पैसा किसको डेनोट कर। तो यहाँ क्या है, ये सिर्फ एक उसने कल्पना की है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर टू कि डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो आपका जो पास्ट इंडेफिनेट को हम स्टूडेंट हम जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, यानी पास्ट इंडेफिनेट और आपके प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है स्टूडेंट अगर आपकी पास्ट में, जैसे यहाँ आपका एग्जाम्पल में समझाया गया है कि सी सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक कॉमा इनवर्टेड कॉमा वन और आपका फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या निकाला है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई हैव ऑलरेडी रीड दिस बुक, वो इस किताब को ऑलरेडी पढ़ चुकी है। जब इसका स्टूडेंट हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो यहाँ क्या देख रहे हो, ये जो आपकी यहाँ पर जो हमने लिया है इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी स्टूडेंट, ये पास्ट में, तो हमने यहाँ इसको उसको चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट, यहाँ कंजक्शन यूज करते हैं, सी हैड ऑलरेडी रीड द बुक। तो यहाँ आप समझ रहे होंगे कि यहाँ किसके बारे में बात की जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ सी का यूज़ किया है, ऑलरेडी रीड दिस बुक, वो इस किताब को ऑलरेडी पढ़ चुके। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्या था आपका आई हैव, तो ये हमने यहाँ पर आपका प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट को स्टूडेंट हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं। बी एग्जांपल में बताया गया कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा राम डाइड टू डेज एगो कॉमा इनवर्टेड कॉमा वन फुल स्टॉप। उसने मुझसे कहा कि राम जो था वो मर चुका था। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, ये आपका हमने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया है स्टूडेंट्स, और जो आपका पास्ट इंडेफिनेट होता है स्टूडेंट को हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं नरेशन में। ही टोल्ड मी, यहाँ पर आपकी ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो यहाँ पर हमने इसको पास्ट में है, तो इसको स्टूडेंट हमने चेंज किया है ही सेड को यहाँ पर टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट राम हैड डाइड टू डे बिफोर। ठीक है, एगो को स्टूडेंट हम ये कुछ आपके चेंजिंग रूल होते हैं, एगो को बिफोर में बदलते हैं, प्रीवियस को नेक्स्ट में, इस तरीके से जिसको दैट में बदल देते हैं। तो ये नरेशन होगा मैं बताऊँ, तो यहाँ इस तरीके से आप इनका चेंज कर सकते हो। अगर आपकी रिपोर्टिंग में पास्ट में है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को स्टूडेंट आपके सॉरी आपका पास्ट इंडेफिनेट है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। रूल नंबर थर्ड में बताया गया स्टूडेंट आपका कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज ऐसे एक्शन के लिए करते हैं जो सिंस फॉर ऑलवेज के साथ किए जा सकते हैं, जो एट द टाइम यानी स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी वक्ता के बोलने समय से भूतकाल में शुरू हो चुके थे। यानी कि अगर हम कोई भी बाकी बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बता रहा है, इसका मीन्स ये होगा कि जो बोल रहा है उससे पहले वो काम हो चुका है, यानी शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग यानी वर्क प्रोग्रेस पर चल रहा है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल बताया कि सुरेंद्र हैड बीन ए स्टूडेंट 14। तो यहाँ क्या देख रहे हो, इसने बताया कि सुरेंद्र क्या है 10 साल पहले स्टूडेंट था या स्टूडेंट हो रह चुका है। तो यहाँ आपका क्या बता रहा है, सुरेंद्र हैड बीन ए स्टूडेंट फॉर 10 ईयर, सुरेंद्र आपका 10 साल पहले स्टूडेंट था या रह चुका है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या बात की जा रही है, ये बताई जा रही है एट द टाइम, अब जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि सुरेंद्र इस टाइम तो वाई वो कुछ और काम कर रहा होगा, ठीक है, तो इससे पहले 10 साल की पहली बात की जा रही, तो वो काम तो पहले हो चुका था लेकिन अब नहीं हो रहा है ना, वो स्टूडेंट पहले था अब स्टूडेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल में बताया कि सुरेंद्र हैड बीन ए स्टूडेंट सिंस ही वाज 17। यहाँ भी बताया कि सुरेंद्र जब 17 साल का था तो वो एक स्टूडेंट था। तो यहाँ क्या कह रहे हो स्टूडेंट, अब उसकी एज कुछ आगे बढ़ गई होगी तो वो स्टूडेंट नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम सिंस फॉर ऑलवेज के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं।
आज की वीडियो का लास्ट रूल है स्टूडेंट आपका रूल नंबर 4 कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस के साथ भी हम आपके पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ बताया है कि इफ ही हैड मीट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, अगर वो मुझसे मिलता है, इफ ही हैड मीट मी, अगर वो मुझसे मिल चुका था तो आई वुड हैव हेल्प, मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ क्या स्टूडेंट, हमने यहाँ हैड का यूज किया हैड मीट मी, तो हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज किया है इफ ही मैट, अगर वो मुझसे मिल चुका होता तो मैं उसकी मदद करता। बी एग्जाम्पल में बताएगा इफ ही हैड इन्फॉर्म मी आई वुड हैव गॉन देयर पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पॉजिटिवली, ठीक है पॉजिटिवली, तो यहाँ क्या बता रहे स्टूडेंट कि अगर वो मुझसे इन्फॉर्म कर देता तो मैं क्या करता, मैं उससे मिलने को जरूर जाता। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, ये कंडीशन की बात कर रहा है, यदि ऐसा होता, इफ मीन्स क्या होता है, यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। सी एग्जाम्पल में बताया कि इफ सी हैड कम टू मी, अगर वह मुझसे मिलने आती तो आई वुड गिवन हर ए गिफ्ट, ठीक है, अगर वह मुझसे मिलने आती तो मैं उसको एक गिफ्ट देता। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये कंडीशन बता रहा है कि अगर वो मेरे पास आएगी मैं तभी उसे गिफ्ट दूंगा, अगर वो मुझसे इन्फॉर्म करेगा तो भी मैं वहाँ जाऊँगा, अगर वो मुझसे मिलने आएगा तभी मैं उसकी मदद करूँगा। तो ये आप एक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट कि हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, इफ के साथ हम सब्जेक्ट और आपके हेड और V3 यानी ये आपका हमने पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट को यूज करें और वुड हैव यू आपकी वर्ब होती है उसके साथ भी हम V3 का यूज करते हैं, और इस तरीके से आप स्टूडेंट कोई भी हम कंडीशनल सेंटेंस को बना सकते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।